हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी का सीन ये है, कल है हमारे घर में छोटा सा हवन। तो हवन किस चीज का है? हवन जो है वो नेमिंग सेरेमनी के ऊपर है, जो हमारी बेबी गर्ल है उसका नाम रखा जाएगा, तो इसलिए हम हवन करवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल भारत और मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे है भारत, हेलो भारत। हेलो। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा सामान नीचे फैला रखा है, ये हमने अमेजोन से बुक किया था। राउंड सर्कल है, भारत बताएगा। भारत क्या चीज है ये? ये राउंड सर्कल है, इसको हम बैलून लगाएंगे। पूरा राउंड सर्कल बना के फिर ये इसके ऊपर इसका बैलून बैलून लगाएंगे। है। और अभी फिलहाल टाइम हो रहा है रात के 12:30। टाइम हो रहा है रात के 12:30 और हम दोनों को नींद नहीं आ रही है। नींद आ हम रही है बहुत जबरदस्त, जबरदस्ती बनवा रहे हैं मेरे से। झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा है, रात के बज रहे हैं 12:30 और हम दोनों को नींद नहीं आ रही है और हम दोनों थोड़ा सा डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। ये एक राउंड सर्कल है, इसको राउंड बना के उसके बाद हम इसको बैलून्स के साथ डेकोरेट करेंगे। ये कल के लिए है, तो अभी हम शुरू करते हैं थोड़ा सा डेकोरेशन करना। सबसे पहले राउंड सर्कल बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है राउंड सर्कल। और मेरे साथ भारत है। भारत कैसे कैसे है ये? देखो कैसे पहले ना ये सारे राउंड वाले नीचे राउंड बिछा लो सारे, इसको ना ऐसे करके ऐसे राउंड बिछा लो सारे। ये तो नीचे का बेस हो गया दोनों, ये बेस हो गया, ये ऐसे करके सारे ऐसे बिछा लो। देखा, 2 मिनट में सारा काम हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी है क्या, सारे अलग अलग साइज है क्या? मेरे को लगा सारे एक बराबर आ जाएंगे सब में। ये है वैसे पीवीसी पाइप्स हैं ये। तो गाइज ये जो पाइप हैं ये पीवीसी पाइप्स हैं, जो कि ये देखो पीवीसी पाइप्स हैं। कितनी अच्छी कारीगरी कर रखी है बंदे ने। हमने ये अमेजोन से ऑर्डर किया था। और ये पीवीसी पाइप्स हैं जो पानी की टंकियों में पानी के लिए यूज होते हैं घरों में, ये वो वाले पाइप है। और इसको कितने अच्छे से इसने शेप दे रखी है बंदे ने, और ये अमेजोन से मिला हमें। बहुत बढ़िया चीज है ये। अच्छा बताओ कैसे क्या करना है इसमें, कैसे बनाना है इसको? देख रहा हूँ मैं, लगा के एक साइड सही बैठा है। काफी बड़ा बनेगा ये, है ना? तो गाइज ऐसा है, जितना ये देखने में आसान लग रहा था हमें, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है हमें टास्क, क्योंकि एक एक पाइप निकाल के देखना पड़ रहा है कि कौन सा किसके साथ कैसे एडजस्ट बैठ रहा है। तो भारत इससे पहले आपने ये बनाया कभी? आपके लिए फर्स्ट टाइम है। देखते हैं कि बना नहीं बना। तो गाइज बनाना तो हमने राउंड सर्कल था, लेकिन अभी फिलहाल राउंड सर्कल बन नहीं पा रहा। तो भारत क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? इसके एक पीस में फर्क पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है एक पीस कम दिया है ना। हम कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ कर रहे हैं। फाइनली गाइज भारत और मैंने मिलकर एक राउंड सर्कल बना लिया। अब इस पूरी राउंड सर्कल में हम लोग लगाएंगे बैलून्स ही बैलून्स। तो भारत कब करना है कार्यक्रम बैलून्स का? चलिए शुरू करते हैं। चलिए भारत, ये क्या चीज है? इसमें एक साथ 7 बैलून लग जाते हैं। अच्छा इसके ऊपर? अच्छा बड़ा वाला एक बीच में बड़ा, बाकी साइड में छोटे छोटे बैलून। अच्छा मतलब एक स्टैंड की तरह बैलून लग जाते हैं सारे, एक स्टैंड पे 7 बैलून। अच्छा जी बहुत बढ़िया। गाइस ऐसा है कि अभी हमने बैलून्स फुलाने हैं, पूरी रात बैठ के हम बैलून्स फुलाएंगे। तो अभी मैंने देसी जुगाड़ कर दिया, नीचे चादर बिछा दिया है भारत की भी और मेरी भी। तो अभी कनेक्शन लेंगे और आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो गाइस ये एक नई चीज है, ये भारत बताएगा क्या चीज है। ये भारत क्या चीज है? ये बैलून फुलाने वाला पंप। ये बैलून फुलाने वाला पंप है? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक पंप है ये, इसमें यहाँ से कुप्पी में लगा के बैलून फुलाए जाएंगे। इसको दबाएंगे और हवा भर जाएगी। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे हवा भरेगी। गाइस ऐसा है, अभी कनेक्शन दे दिया मैंने इसको, और ये देखो इसको प्रेस करूंगा मैं। अरे बड़ी जबरदस्त हवा यार, ठंड में इतनी जबरदस्त ठंडी हवा लग रही है भारत। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो देखो गाइज एक बैलून मैं फुलाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक बैलून को फंसा दिया। अब इसको दबाते हैं। अरे 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 भैया बहुत बढ़िया यार, हवा का झोंका एकदम, जिसे कहते हैं समीर हवा का झोंका बांधना। भारत बैलून जो है ना वो छोटे फुलाना, थोड़े से ज्यादा बड़े मत फुलाना, क्योंकि ना उस पे लग नहीं पाएंगे हमारे सर्कल से, है ना? वो सर्कल छोटे बहुत हैं। हाँ इतने ठीक है, इतने होने चाहिए कि उस पे ग्रिप रहे थोड़ी सी पकड़ने की, टेप लगाने की। हमें वो राउंड सर्कल पे पूरा राउंड सर्कल कवर करना है। भारत वाह आपकी स्पीड देखो यार, कितनी अभी हमें आए हुए 5 मिनट ही हुए हैं, 5-6 मिनट हुए हैं, और भारत ने देखो कितने सारे बैलून्स फुला दिए। तो गाइज ये हाथ है देखो, मेहनत वाले हाथ है, जो इसमें नॉट बांधनी होती है, यहाँ पे दर्द होती है, तो भारत ने यहाँ पे टेप लगा ली है। भारत क्या दिमाग है यार आपका, सुपर फास्ट हो यार आप तो, बहुत बढ़िया। ओ तेरी पहला गुब्बारा फट गया भारत लास्ट। तो गाइज अभी मजाक मजाक में ज्यादा हवा भरने के कारण हमारे 4 बैलून खराब हो गए हैं। ये भारत जो भी फोड़ा जीजू ने मैंने नहीं फोड़े, आपने फोड़े हैं सारे, आपने ज्यादा हवा भर दी, आपने बहुत ज्यादा हवा भर दी थी। बस सीख गए ना अब आप, देखा
तो गाइज हमारे पास पिंक बैलून्स हैं। पिंक बैलून्स के हमारे पास दो पैकेट थे, जो कि एक फुला दिए हैं और एक ये पैकेट पड़ा हुआ है। एक हमारे पास ब्लू कलर के बैलून्स हैं और एक ये कौन सा कलर है भारत, ग्रे कलर, मैट ग्रे। ये सारे मैट में ही है, ये भी ब्लू भी मैट में ही है, सारे मैट में ही है। एक रेगुलर पिंक है, एक ही रेगुलर पिंक है, मतलब दो पैकेट रेगुलर पिंक है, बाकी मैट, एक मैट पिंक, एक रेगुलर पिंक। अच्छा, एक मैट पिंक है और एक रेगुलर पिंक है। तो अभी जो हमने फुलाया है ये मैट वाला है, इसमें थोड़ी सी हमें देखने में ऐसा लग रहा है मैट फिनिश आ रही है, और ये वाले जो है ये रेगुलर है। ये वाला मैट कलर है नहीं भारत, ये सिंपल है, ये वाला मैट फिनिश है, देखो इसमें थोड़ी सी चमक है ना। एक काम करते हैं हम, एक ये ब्लू वाला फुला के देते हैं, ये तो मैट है ना। एक ब्लू वाला फुला के देखो, पता चल जाएगा कि इस पिंक की तरह लग रहा है या इस पिंक की तरह लग रहा है, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा देखो। ठीक है भारत, क्या कहते हो भारत, आप जीते हैं। थैंक यू थैंक यू। तो गाइस अभी एक बारी में मैं दो बैलून फुला रहा हूँ। अब दिक्कत ये है कि मैं इसको बांधूंगा कैसे, ये मुझे नहीं पता। और देखो मैंने कितने सारे बैलून फुला दिए हैं, सारी मेरी मेहनत है। को ऐसे पकड़ के मुंह पे मारने से हवा ऐसा लग रहा है किसी रेसिंग बाइक के पीछे बैठा हूँ। तो गाइस कुछ इतने बैलून दोनों जनों ने फुला लिए हैं। भारत क्या कहते हो, सुबह कितना टाइम लग जाएगा हमें सारे बैलून को लगाने में, स्टेंसिल में? मतलब हमें एक घंटा लगेगा पूरे स्टेंसिल वगैरह में सारे बैलून्स को लगाने में, पूरा डेकोरेट करने में। काफी बैलून्स हमने फुला दिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे बैलून्स हमने फुला दिए। करीब हमने दो पैकेट बैलून्स फुला चुके हैं, अभी ये दो पैकेट और पड़े हैं, एक ग्रे मेटालिक और एक ब्लू मेटालिक। भारत और मैंने ये तीन बैलून्स को एक साथ लगाया और बीच में जो रेगुलर वाला बैलून था उसको लगाया बीच में, तो देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हो भारत, मस्त एकदम, बोले तो झका। तो गाइस ये वाला बैलून देख के बताओ कैसा लग रहा है ना, एकदम जबरदस्त। तो गाइस अभी फिलहाल हमने कुछ इतने बैलून्स फुला लिए हैं, कम से कम तीन पैकेट हम फुला चुके हैं बैलून्स के। एक पैकेट अभी पड़ा हुआ है जिसमें कि हमारे ये ग्रे वाले और ब्लू वाले मिक्स हैं, तो वो हम सुबह फुलाएंगे। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, रात के 2 बज रहे हैं। तो गाइज अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने और इस व्लॉग को मैं सुबह कंटिन्यू करूंगा। हेलो गाइज, तो अभी अगला दिन चढ़ चुका है, फाइनली द डे हैज अराइव्ड, और हमने जो गुब्बारे फुलाए थे भारत और मैं, अभी उन गुब्बारों को आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे कि ब्लू और ग्रे वाला आपस में लगा रहे हैं। भारत इन सबको लगाना है, ब्लू और ग्रे को? यस सारे। गुड मॉर्निंग। ब्लू और ग्रे वाले गुब्बारों को आपस में मिक्स कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो गाइज अभी फिलहाल ब्लू और ग्रे गुब्बारे मिक्स कर दिए, सिर्फ पिंक पिंक पड़े हुए हैं इस साइड। तो गाइज अभी सारे गुब्बारों को नीचे लेके जाना। भारत और मैंने एक स्ट्रेटजी लगाई है, हमने एक चादर निकाली है, चादर के अंदर सारे गुब्बारे भर रहे हैं और ऐसे हम सारे गुब्बारे नीचे लेके जाएंगे। सारे गुब्बारे हम नीचे लेके आ चुके हैं, भारत अभी एक एक करके सारे गुब्बारे सर्कल पे लगाएगा। हमें ये पूरा बैलून स्टैंड को कवर करना है बैलून से। अभी फिलहाल ये वाले गुब्बारे और ये वाले गुब्बारे, ये सारे गुब्बारे हमें सर्कल पे सेट करने हैं। सारे बैलून्स हम ऐसे लगाएंगे। तो गाइज अभी हमारी रिंग कुछ ऐसे दिख रही है, हमने सारे बैलून्स लगा दिए, बस नीचे का पोर्शन रह गया बैलून्स लगाने को। सारे बैलून्स लग के तैयार हो गई है और देखने में कुछ ऐसी है। तो गाइज अभी मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमने रिंग जो है उसको पूरी तरह से कवर कर दिया बैलून से। गाइज हमने यहाँ पे एक एनिमल थीम रखी है जिसमें ज़ेब्रा, मंकी, कैट और लॉयन है। गाइज जैसे कि ठंड बहुत ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे एक स्नोमैन भी लगा दिया है। कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आज नामकरण सेरेमनी हो रही है। हाँ जी, गुड़िया की। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। होली के चोले की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मनु भाई, थैंक यू। इसको मैं ओली बुलाता हूँ। हेलो ओली। हाँ जी, क्या हाल है आपका? ओली ओली, अभी करूंगा आपको प्यार। लेट गया, थक गया भैया, थक गया। अभी फिलहाल पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं, हवन का सामान लगा रहे हैं। श्री काल जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? हैप्पी नामकरण आपको भी। हवन जो है वो स्टार्ट होने लक्ष्मी नारायण भान मामा शराब भान मा श्री पुंदरा भान मा श्री देवता भान मा कुल देवता भान मा ग्राम देवता भान मा स्थान देवता भान मा प्रधान देवता भान मा सर्वभ्य ब्राह्मण हिना सुगंधे से कपड़ों गुण का लंबो दर विश्व बिना सुविनाय का घूमते गड़ा दक्षो वर चंद्र व जाना ना द्वादश सहिता ना मान पुठे विद्या रंबे विवाह चा भानो सुशील हो मन पुष्पायम देख।
दरबार झंडे वाली माता तेरी स्वामी माँ तू पिता तुम मेरे भगवान से हाथ जोड़े प्रार्थना परमात्मा जो कुछ आपने दिया आपको अर्पण किया कोई भूल तो कोई त्रुटियों वृद्धि करना विकास करना धन संपत्ति बरकत करना सुख शांति बनाना दुख स्वागतम रखमान रखमान सागर बोलो गणेश लक्ष्मी लक्ष्मी कुबेर कुबेर रिद्धि सिद्धि सिद्धि को छोड़कर कूर ग्रह स्वा गच 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 जब आप कोई मुझे शुभ अवसर प्रदान करोगे पुनः आपका आवाहन पूजन करूंगा रिद्धि सिद्धि गणेश लक्ष्मी कुबेर सहित घर में निवास करें आरोग्यता निरोगिता महानता धैर्यता प्रधानता धन ऐश्वर्य कार्य व्यवसाय विद्या बुद्धि मान प्रतीक्षा के साथ दया बनाए रखना कूर ग्रह स्वा तो आप सबको कैसा लगा आज का हमारा प्रोग्राम? मजा आ गया। चोला सेरेमनी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम जी। एकदम बढ़िया। ये है कैमरा, जल्दी मैं इसी से व्लॉगिंग करूंगा। और इसमें यहाँ पे बहुत सारे लेंसेज हैं। कैमरा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर बहुत सारे हैं। वीडियो बना सकते हो। अच्छा, सेल्फी खींच सकते हो। अच्छा, तो ये जो लेंस है इसमें कौन कौन से टाइप के लेंस है आपके पास? मेरे पास एक तो है ये 85 पोर्ट्रेट है। अच्छा, ये 50 पोर्ट्रेट है। अच्छा, ये 50 जो लगा हुआ इसमें। और ये जूम लेंस है, मतलब वाइड जूम से लेकर आप पोर्ट्रेट दोनों यूज कर सकते हैं। अगर व्लॉग वगैरह बनाना है तो हमें ये यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या क्या है आपके पास? इसके अलावा मेरे पास ये ऑफ कैमरा फ्लैश का ट्रिगर है। ये फ्लैश? अच्छा, फ्लैश देने के लिए फ्लैश का ट्रिगर। अच्छा, ये ट्रिगर है, ये फ्लैश है। और ये फ्लैश का डोम है जिससे कि हम फ्लैश की हार्ड लाइट को सॉफ्ट कर सकते हैं। ये आगे लग जाता है फ्लैश के और फिर ये लाइट को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। बहुत बढ़िया। ओके भारत, नाइस मीटिंग यू। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। चोला पाया ही? हाँ जी। भोलू नु चोला पा लिया? हाँ जी। बहुत मुबारक हो आपको भी, जोड़ी बनी रहे। तो गाइज, अभी फिलहाल सारे के सारे रिलेटिव्स अपने अपने घर जा चुके हैं। और गाइज, आज का हमारा फंक्शन सारे के सारे रिलेटिव्स ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और फाइनली गाइज, हमारे घर में हवन भी हो गया और नेमिंग सेरेमनी भी हो गई। और गाइज, सारे के सारे रिलेटिव्स ने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हमारी बेबी गर्ल को। तो गाइज, इस व्लॉग को, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो होप करता हूँ आपने मेरा आज का ये व्लॉग, ये वीडियो इंजॉय करी होगी। अगर आपने इंजॉय करी है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल सागर सचदेवा को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।